पटनी टॉप जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कि उधमपुर जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 2000 मीटर है। पटनी टॉप चिनाब नदी के पास स्थित है और जम्मू से इसकी दूरी करीब 110 किलोमीटर है। पटनी टॉप में आपको प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांत वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनमें लगभग 90% लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थी होते हैं। मतलब जो भी माता वैष्णो देवी दर्शन को कटरा आता है उनमें से ज्यादातर यात्री पटनी टॉप जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी दर्शन को आ रहे हैं तो आप भी पटनी टॉप की यात्रा का प्लान भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पटनी टॉप की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पटनी टॉप जाने के लिए आपको जम्मू कश्मीर के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या जम्मू तवी एयरपोर्ट, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि अब शहीद कप्तान तुषार महाजन मतलब MCTM है, या फिर कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से अपने आने का विकल्प चुन सकते हैं। जम्मू तवी से पटनी टॉप की दूरी 112 किलोमीटर है, उधमपुर से 45 किलोमीटर और कटरा से पटनी टॉप करीब 90 किलोमीटर है। पटनी टॉप जाने के लिए आपको सड़क मार्ग से ही जाना होता है। पटनी टॉप जाने की साधन की बात करें तो आपको प्राइवेट टैक्सी और बस का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, बस का किराया 100 से 200 रुपए तक हो सकता है और प्राइवेट टैक्सी का किराया 2 दिन का 3500 रुपए से शुरू हो जाता है। कटरा से पटनी टॉप और वापस कटरा आने में आपको 2 दिन का समय लगेगा, या फिर आप 1 दिन में ही पटनी टॉप और नत्था टॉप घूमकर वापस कटरा आ सकते हैं। दोस्तों, पटनी टॉप में आपको रुकने के लिए 1000 से 5000 रुपए तक रूम मिल जाएंगे। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी वाले ही आपको रूम उपलब्ध करवा देंगे। जम्मू तवी तथा कटरा में हर होटलों में आपको टूरिस्ट एजेंसियां आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमें पटनी टॉप में कहाँ कहाँ घूमना है। एक बात और कि जब आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो पटनी टॉप में कहाँ कहाँ घुमाएंगे, जो टैक्सी वाले होते हैं वो पटनी टॉप में आपको कहाँ कहाँ घुमाएंगे उसकी एक लिस्ट जरूर बनवा कर ले लीजिएगा। दोस्तों, पटनी टॉप की सबसे अच्छी जगह है नत्था टॉप, जो कि पटनी टॉप से करीब 6 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर आपको प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। यहाँ दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी भी बहुत होती है, लेकिन उस समय नत्था टॉप तक आना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बर्फबारी में यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। पटनी टॉप में दूसरी जगह की बात करें तो माधव टॉप, सानासर झील, नाग मंदिर जो कि पटनी टॉप का सबसे पुराना मंदिर है, इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क और भी छोटी छोटी खूबसूरत जगह है जहां आप एक बहुत अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। पटनी टॉप में आपको ज़्यादातर गार्डन ही देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको पठोरा चौक में जीप लाइन भी मिलेगी और यहीं से आपको घोड़े खच्चर भी मिलेंगे, जिनसे आप 1000 रुपए के आसपास देकर पठोरा चौक से थोड़ा ऊंचाई पर कुछ अच्छे व्यू पॉइंट है वहां भी जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या हमारे इसी चैनल पर पटनी टॉप और नत्था टॉप का व्लॉग भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।